भरी गयो छु भगवान ना भजन मा ओ भरी गयो छु भगवान ना भजन मा तंबूर की दुकान नो मंदिर मारा मनना तंबूर की दुकान नो मंदिर मारा मनना गुणगान सदा गातो भगवान ना भजनवा। अर्थ यह है, मैं तो हो गया हूं मस्त अब भगवान के भजन में। भगवान के भजन में मस्त होकर तुलसी का एक ही काम चंदन घिसता और राम नाम बोलना। चैत्र मास की नवमी के दिन सुबह, राम नवमी का दिन था और उसी दिन सुबह तुलसीदास चंदन घिस रहे थे, घिसते घिसते रो रहे थे और पास में बैठकर एक ब्राह्मण के रूप में हनुमान जी महाराज तुलसी का राम नाम का कीर्तन सुन रहे थे और रो रहे थे। तुलसी को दुनियादारी की कोई पड़ी नहीं थी, चंदन घिसते घिसते कहीं इधर उधर देखते नहीं थे। ध्यान दीजिए, क्या गुरु जी कहते थे कि तुलसी जब चंदन घिसते थे तो इधर उधर नहीं तो देखते थे। इसका मतलब ये है कि तुलसी का चंदन घिसना ये भक्ति है, मतलब भक्ति करते समय इधर उधर देखना चाहिए नहीं। बोलो जैसे कृष्ण, भक्ति करते हैं तो उसमें कभी कोई अच्छा भी बोले कहीं बुरा भी बोले। भक्ति का पहला लक्षण यह है किसी के बारे में चिंता न करें। भक्ति कर रहे थे, चंदन घिस रहे थे, अचानक आंसू आंख से निकले और उसी घिसने वाले वो चंदन घिस रहे थे उसके ऊपर आंखों के आंसू गिरे और जब आंखों के आंसू उसमें गिरे तो चंदन मानो पवित्र हो गया। स्वयं भगवान राम वहां पर अवतरित हुए, प्रागट्य हुआ प्रभु का और भगवान सामने बैठकर तुलसी को कह रहे, तुलसी तिलक करो, तुलसी तिलक करो। तीन बार कहा तुलसी तिलक लगाओ, पर तुलसी का तो नियम है इधर उधर देखना नहीं। भगवान आया तो भी नहीं देखा। बोलो, वो तो अपनी मस्ती में निज मस्ती में है। हनुमान जी सरा हारे गया, भाई ये पागल है, कौन उठाएगा उसको, करना क्या। तुलसीदास जी के इस भक्ति के परम पवित्र क्षण को देखकर हनुमान जी सरा हारे गया और हनुमान जी के मुख से एक दोहा निकल गया। सरयू तट के घाट पर भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। चित्रकूट के घाट पर भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। अद्भुत रूपी से जब दोहा हनुमान जी महाराज ने बोला तुरंत तुलसी की आंखें खुल गई। जैसे ही आंखें खोली और सामने देखा तो राम गायब। बोलो जैसे कृष्ण, जब देखा तो राम चले गए। तीन बार कहा था भगवान ने तिलक करो, तुमने सुना नहीं तो भगवान गए। पर तुलसीदास में इतनी बुद्धि तो थी तुलसीदास में कि राम को कोई पहचान नहीं सकता। 17 वर्ष से यहां घूम रहा हूं, मैंने राम को नहीं देखा और यदि आए तो मैंने पहचाना नहीं। इसका मतलब यह है कि राम को पहचानने वाले हनुमान जी के सिवा और कोई हो सकता नहीं। तुरंत ब्राह्मण का हाथ पकड़ा, महाराज रुक जाओ, पंडित जी कहीं नहीं जाना है। अब हाथ छुड़वा रहे हैं मगर छूट नहीं रहा है। क्या हुआ? बोले जो भी हो तुम तो हनुमान हो। बोले क्यों?
अरे भाई इतने साल से अयोध्या जी में घूम रहा हूँ, कई रूप में राम आए मैंने पहचान नहीं पाया, आपने ऐसे कैसे पहचान लिया? राम को जानने वाले केवल आप हनुमान जी ही हो, ये मुझे पता है। हनुमान जी ने कहा क्या चाहिए? छोड़ो, तुरंत कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना बता दो मेरे राम कहाँ, जिसकी खोज कर रहा हूं वो कहाँ है। तुलसीदास तुलसी के माथे पर हाथ रखा और कहा भाई राम तुम्हारे बाहर नहीं है, राम तुम्हारे अंदर है, राम को बाहर मत खोजो। ये दुनियादारी और ये विश्व बड़ा बेकार है, ये दुनिया में जब किसी के पास कुछ खोजने जाओगे तो वो व्यक्ति वो ही देगा जो देने से उसको कुछ फायदा होगा, अथवा वो व्यक्ति तब देगा जब उसका वहां नाम होगा, अथवा वो व्यक्ति इसलिए देगा जिसमें उसको कोई फायदा होगा। भाई राम किसी के पास मत खोजो, राम को खोजना है तो तुम्हारे अंदर खोजो, वो तुम्हारे अंदर बैठे हैं। तुरंत तुलसीदास ने आंखें बंद की और आज तक जहां राम को बाहर खोज रहे थे वहां तुलसीदास ने अपने अंदर खोजना शुरू किया, और जब अंदर खोजना शुरू किया, अंदर झांक कर देखा तो धीरे धीरे करते 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 पूरा राम चरित्र दिखने लगा, समाधि लग गई। ऐसी समाधि लगी कि आंखें बंद करके समाधि लगने से उसी समाधि में भगवान राम का जन्म क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस राम जन्म की बात किसने किसको सुनाई, कौन सुनने वाला था, कौन कहने वाला था, और पूरा चरित्र अंत्योपांत, राम राज्य का अभिषेक कब हुआ, सीता माता का चरित्र, ऐसी ऐसी राम और सीता की गुप्त बातें, गूढ़ रहस्य, सब कुछ तुलसी को पता चल गया, दिखने लगा उनको सब कुछ। और उनको जो दिखा उन्होंने कलम लेकर लिखना शुरू कर दिया। सबसे पहले 7 श्लोक उन्होंने संस्कृत में लिखे, और संस्कृत में लिखने के बाद में, संस्कृत तो देवभाषा थी, उनको आता था, परंतु उनके मन में ऐसा विचार भी शायद आया होगा कि मैं यदि संस्कृत में लिखूंगा तो ज्यादा लोग समझेंगे नहीं, इसलिए मैं लोकोपभोग्य सब भाषा जो समझ पाए मेरी भाषा में मैं लिखूं, क्योंकि संस्कृत भाषा उस समय भी जीवित, आज भी है, उस समय भी थी, मगर लोग कम समझते थे, अपनी भाषा में बात करते थे। अपनी भाषा में जब बात करते हैं तो संस्कृत भाषा के कई शब्द अतः हमको भी कम पता चलता है, पढ़े लिखों को तो सब पता चलता है परंतु लोगों को कम पता चलता है शब्द का अर्थ। एक जगह में पूजा करने गया था, बोलो जय श्री कृष्ण, वो पुण्यावाचन की पूजा, ये कलश पूजा करते हैं तो वो कलश हाथ में देते हैं ऐसे नारियल और लोटा, और पंडित जी बोलते माथे पर लगाओ तो ऐसे माथे पर लगाते हैं, बाद में उनकी पत्नी को देते हैं, बच्चों को देते थे। मैं पूजा करने गया, मैंने कहा भाई जी ये कलश हाथ में लेके माथे पे लगाइए और बाद में अपनी पत्नी को दीजिए और 2 बच्चों को दीजिए। तो उन्होंने लिया, मैंने मंत्र शुरू किया, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरि। तो ये कलश घूम रहा है इस श्लोक में, पिता पति ने लगाया, पत्नी को दिया और पत्नी माथे पे लगा रही थी और मेरा श्लोक खत्म हो गया। मैंने कहा मंगलाय तनो हरि, बच्चा बोला मम्मी डू फास्ट पंडित जी से हरि। हरि शब्द संस्कृत है, संस्कृत का हरि और वहां इंग्लिश का हरि दोनों अलग है, संस्कृत शब्द कौन समझेगा, इसलिए तुलसीदास ने सोचा मैं सरल सहज सुभग और सर्वग्राह्य भाषा में लिखूं जो सब समझ पाए, इसलिए उन्होंने अपनी भाषा में लिखना शुरू किया। वैसे तो हिंदी ही है पर हिंदी भी कई प्रकार की है, अवधी है, मगधी है, मालवी है, मारवाड़ी है, हिंदी में भी कई बोली है, भाषा हिंदी परंतु उसी हिंदी भाषा में बोली बदल जाती है। हिंदी भाषा जहां जहां गई वहां वहां उसने अपने रूप को बदल दिया। वही हिंदी जब मारवाड़ में राजस्थान में गई तो वो मारवाड़ी बन गई, वही हिंदी जब अवध में गई तो अवधी बन गई, बिहार में गई तो वो बिहारी बन गई, उत्तर प्रदेश में रही तो वो भोजपुर में जाकर भोजपुरी बन गई, जनकपुर में जाकर वो जनकपुरी, ऐसे कई भाषा में हिंदी के रूप रूपांतर हुए, वो बोली के रूप में प्रसिद्ध हुए। गुजराती भी बदल गई, बोलो जैसे गुजरात में गुजराती, सूरत में जाओ तो सूरती गुजराती, अहमदाबाद में अहमदाबादी गुजराती, मेहसाणा में मेहसाणी गुजराती, काठियावाड़ में काठियावाड़ी, बात वही है पर जब वही बात को अलग अलग बोली में बोला जाता है तो भी अर्थ बदल जाता है, बोलो जय श्री कृष्ण।
अहमदाबाद में बोलते हैं कि दीवो प्रगटावानु काम बहनों ने, दिया जलाने का काम बहनों का, और उसी बात को मेहसाणा में बोलते हैं हड़गा वानु काम बहनों ने। अर्थ बदल जाता है। एक ही भाषा में जब मूल भाषा अविरत रूप पर अलग 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 धाराओं में बहती है तो वो बोली कही जाती है, और अद्भुत बोली में तुलसीदास ने रामचरितमानस का निर्माण किया। उन्होंने अद्भुत ग्रंथ लिखा, भाषाबद्ध हो गई, सुंदर ग्रंथ तैयार हो गया। उस समय में, उस जमानों में ऐसा नियम था कि जब तक कोई भी ग्रंथ काशी से सिग्नेचर नहीं होता, काशी में जाकर वो पढ़ा नहीं जाता, लोगों को सुनाया नहीं जाता, तब तक वो ग्रंथ सिद्ध नहीं माना जाता। चाहे कोई भी वाद हो, चाहे कोई भी विवाद हो, चाहे कोई भी मत हो, चाहे कोई भी खंडन हो, वो काशी में जाकर उसको सिद्ध करना पड़ता था, क्योंकि काशी वो उस समय में विद्वानों की नगरी थी। तो विद्वानों की नगरी में तुलसीदास ने सोचा, मैं मेरे ग्रंथ को लेकर जाऊं और वहां जाकर विद्वानों को दूं, ये कैसा ग्रंथ मैंने बनाया। सुंदर ग्रंथ बनाया, ग्रंथ का नाम रख दिया रामचरितमानस। राम अब सब जानते हैं, चरित मतलब उनका चरित्र, उनके बारे में, और मानस मतलब मेरे मन में जो आया। तो मन में आया वो सब नहीं लिखा, बोलो राधे राधे। हाँ, तो कई लोगों के मन में कुछ भी आ जाता है, वो सब नहीं लिखा जाता है। मन में भी वो ही आया जो वेद पुराण शास्त्र सिद्ध बातें थी, क्योंकि ऐसा है हमारे पुष्टि मार्ग में ऐसा नियम है कि कभी कभी जो उत्तम भक्त होते हैं उनको मन में ठाकुर जी इच्छा करते हैं कि आज ऐसा अलंकार करो। तो एक हमारी एक श्रेष्ठ सुभग भाषा है, आज ठाकुर जी ने मुझे प्रेरणा की कि उनको पीले कपड़े चाहिए, तो मैंने ठाकुर जी को पीले वाघे अर्पण किए। आज ठाकुर जी ने मुझे प्रेरणा की कि आज उनको सीरा खाना है, तो मैंने सामग्री में हलवा सिद्ध किया। ये भाषा है। अहमदाबाद में एक जगह पर कथा करने गया तो बहन आए, बोले ठाकुर जी आज तो मैंने ठाकुर जी ने प्रेरणा की पिज्जा खाने की। बोलो अब देखिए बात हुई है, ठाकुर जी को हलवा खाने की इच्छा हुई या खाने को पिज्जा खाने की। अब मैं उसके बात का खंडन तो नहीं कर सकता। कभी कभी हलवा खाने की इच्छा होती है तो वो सही है, पिज्जा खाने की इच्छा वो गलत है, तो गलत कैसे करे। तो कहा गया कि जब भी आपके मन में कोई बात आती है तो उस बात को शास्त्र रूपी दर्पण में देखना है, वो शास्त्र से अनुगत है या नहीं। यदि वो शास्त्रानुगत है, शास्त्र से सम्मिलित है, तो वो ठीक है। नहीं तो कल मुझे इच्छा हो गई ठाकुर जी को पैंट शर्ट पहना हो, बोलो जैसे कृष्ण, पर नहीं, ये शास्त्र से अनुगत नहीं है, इसलिए हम वो नहीं कर सकते। शास्त्र से सिद्ध बात, वेदों में पुराणों में लिखी हुई बात, और हाँ वो बात का कहीं पर जाकर खंडन नहीं होना चाहिए। राम भगवान ने ऐसा किया, ये यदि मैं अपने मन से नहीं देख सकता, उन्होंने वैसा किया, तो हाँ उस बात के कहीं ना कहीं कोई ना कोई संकेत जरूर होना चाहिए। भगवान कृष्ण के माथे में मोर पिच क्यों है, उसका संकेत आपको रामायण में मिलेगा। मैंने कई बार ये कथा आपको कही है। भगवान कृष्ण ने बंसी ही क्यों बजाई, उसका संकेत आपको वाल्मीकि रामायण में मिलेगा, आप उसका खंडन नहीं कर सकते। महाभारत में कहीं और गीता में या भागवत जी में कहीं नहीं लिखा कि कृष्ण ने बंसी क्यों बजाई, पर फिर भी लिखा कि बंसी बजाई। बंसी क्यों बजाई ये नहीं लिखा, तो क्यों बजाई आपको रामायण में मिलेगा, रामचरित वाल्मीकि रामायण में उसका आपको रहस्य मिलेगा। तो जो भी बात लिखे वो मन से होना चाहिए, परंतु वो शास्त्र सिद्ध भी होना चाहिए। इसलिए तुलसीदास ने मानस में ही कहा कि मैं जो भी लिख रहा हूं वो वेद निगम पुराण आगम वाणी, ये सब वेद पुराण निगम और आगम की वाणी है, ये कोई मेरा मन की बात नहीं है, परंतु मानस इसलिए कहा उन्होंने क्योंकि ईश्वर ने ये बातें मेरे मन में प्रकट की है। पूरा ग्रंथ तैयार किया, ग्रंथ को एक कपड़े में बांधा, और तुलसी आज अयोध्या से राम दर्शन करके, परमात्मा के चमत्कृति को समझ करके, अनुभव करके, अब वो वापस काशी गए। काशी में जाकर बड़े बड़े विद्वान थे, वहां जाकर अपना ग्रंथ उन्होंने रखा। एक सरस्वती का मंदिर है, आज भी विद्यमान है वो मंदिर। वहां जाकर जब तुलसी के मानस ग्रंथ को लिखा रखा गया, तो विद्वानों में बहुत मतांतर हुआ। कई विद्वानों ने ग्रंथ को फेंक दिया, बोले ये ग्रंथ तो बिल्कुल नहीं रखना चाहिए भाई, संस्कृत भाषा कोई नहीं पढ़ेगा, ये ग्रंथ आ जाएगा।
तुलसी ने कहा कि ये ग्रंथ आएगा तो नहीं पढ़ेगा, ऐसा नहीं है, नहीं पढ़ने वाले आज भी नहीं पढ़ रहे हैं। और विद्वानों के चरणों में कहा प्रणाम करके, विद्वान लोग आप माफ करिएगा, परंतु संस्कृत में कई बातें ऐसी है जो समझने के लिए भारी संस्कृत पढ़ना पड़ता है। दो प्रकार की संस्कृत होती है, एक सरल सहज और एक कठिन संस्कृत। कई बातें शास्त्रों में कठिन रूप में लिखी गई है, तुरंत समझ में नहीं आती। समझने के लिए आपको सांगोपांग व्याकरण वेद न्याय मीमांसा धर्म शास्त्र और मीमांसा वेदांत पढ़ना पड़ता है। कौन पढ़ेगा आगे जाकर? बहुत शास्त्रार्थ हुआ, कई विद्वानों ने कहा भाई जो भी हो एक बार ग्रंथ पढ़कर तो देखो, खोलकर तो देखो क्या है अंदर। विद्वानों ने पहले बिना खोले ही सब बातें हो रही थी, बोलो जय श्री कृष्ण। लोग कई बार किसी के मत को और विचार को देखना ही नहीं चाहते, पहले ही सीधा शुरुआत ही नाश से होती है। एक बार सुनो उसको पूरा, सुनने के बाद निर्णय करिए बात सही है या गलत है। ग्रंथ को खोलने की बात आई और तुरंत जैसे ग्रंथ खोला और पहला जब श्लोक उन्होंने पढ़ा, लोगों को बड़ा आनंद हुआ। क्यों आनंद हुआ? क्योंकि शुरुआत